हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम जाने वाले हैं बाहर, और कहाँ जाने वाले हैं आप लोगों को हम आगे बताएंगे। सो गाइस, अभी हम लोग आए हैं रबर डैम, इंडिया का सबसे बड़ा रबर डैम है, और वो भी गया में मौजूद है, फल्गू नदी पे बना हुआ है। तो चलिए हम आप लोगों का टूर कराते हैं, और हम अभी आए हैं फर्स्ट टाइम रबर डैम घूमने के लिए, और आप लोगों को भी दिखाते हैं। और पीछे का व्यू देख सकते हैं, इतना मस्त है, शाम का टाइम है, और आसमान का कलर देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा है। सो चलिए, शाम का टाइम है, और बहुत सारे लोग यहाँ पे घूमने आते हैं अक्सर शाम के टाइम में, बहुत अच्छा यहाँ का नज़ारा रहता है। सो हम भी जाने वाले हैं, फर्स्ट टाइम है मेरा। सो गाइस, अगर आपको यहाँ पे आना है तो शाम के टाइम आइए, शाम के टाइम बहुत ही अच्छा लगता है। अब चलते हैं हम लोग रबर डैम पे, और ये है फल्गु नदी, जो इसी के ऊपर रबर डैम बना हुआ है, हम इसके ऊपर चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा रबर डैम है, जो कि यहाँ गया में बना हुआ है, और यहाँ सामने जो देख रहे हैं वो टेंपल है, मंदिर है। ठंडी का मौसम है, और ठंडा भी लग रहा है, और हम शॉल ले लिए हैं, और पीछे का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। तो चलिए हम चलते हैं रबर डैम के ऊपर, और यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे गार्ड भी हैं, जाने के लिए सुरक्षा दिया गया है। और यहाँ कुछ इस प्रकार से है रबर डैम पे, बहुत ही प्यारा नज़ारा है यहाँ का। सो एवरीवन, हम आज तक सुने थे रबर डैम सबसे, विश्व का सबसे बड़ा रबर डैम है, और यहाँ पे आके पता भी चला कि बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे लाइटिंग चेंज होते रहता है। यहाँ का लाइटिंग देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही प्यारा लाइटिंग है। देख सकते हैं घूमने वाले लोग घूम रहे हैं अभी। कहा जाता है इंडिया का सबसे बड़ा रबर डैम है, जो फल्गु नदी पे बना है, यहीं पे बना हुआ है फर्स्ट टाइम, और इसका लंबाई जो है 411 मीटर का है। सो इस पे कोई भी आ सकता है घूमने, बहुत ही अच्छा यहाँ का नज़ारा है। यहाँ पे लाइटिंग चेंज होते रहता है, जो इस तरह है, और यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का, इधर से बहुत ही प्यारा लग रहा है दूसरे साइड का। और ये रहा रबर डैम, और नीचे का नज़ारा आप लोग को दिखा रहे हैं। तो चलिए हम लोग नीचे चलते हैं ग्राउंड में, ये रहा ग्राउंड। ये रहा रबर डैम, जो नीचे की साइड से दिखा रहे हैं, बहुत ही प्यारा। और नाइट का भी समय हो गया है, और ये रहा मेरा बिट्टू और उसके पापा। सो हम भी चलते हैं, और ठंडा भी बहुत लग रहा है यहाँ पे, शॉल भी लिए हैं। सो यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ हैं, और पहाड़ी के ऊपर घर भी हैं यहाँ पे, और यहाँ भी देख सकते हैं बहुत ही प्यारा आकर्षक नज़ारा, जो पहाड़ी के ऊपर घर है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और इस साइड भी पहाड़ी के ऊपर घर है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। सो गाइस, हम लोग घूम घूम के थक चुके हैं, तो कुछ खाने के लिए आ गए हम लोग, तो चलिए पापड़ी चाट। सो मेरा फेवरेट है, ये रहा बिट्टू का मस्ती, खुद अकेले ही मस्ती कर रहा है।
और ये हम लोग का चाट आ चुका है। और इधर से कुछ इस तरह का नज़ारा है यहाँ का। यहाँ से देख सकते हैं बहुत ही पानी गिर रहा है तेज़ी से और उसका आवाज़ बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, तो रबर डैम को बाय बाय बोलेंगे हम लोग। और ये जनाब का मस्ती अब ख़त्म होने वाला है, बहुत मस्ती कर लिए। यहाँ से देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है रबर डैम का। वहाँ चटाई है पूरा, टोटल चटाई है, देख सकता है। और चटनिया पर मंदिर और ये रबर डैम का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। नाइट में और भी खूबसूरत दिखाई देता है। सो गाइस, जो जो यहाँ पे अभी नहीं आया है वो आके घूम सकता है। बहुत ही खूबसूरत एंड बहुत ही सुंदर यहाँ का नज़ारा है। अक्सर लोग यहाँ आते हैं घूमने के लिए। और ये रहे जनाब, उनका मस्ती ख़त्म नहीं हो रहा है। और इधर पानी फिल्टर हो रहा है सब। और इधर का पानी थोड़ा दूसरे टाइप का है, थोड़ा गंदा टाइप का है इस तरह का। और इधर का है जो एकदम प्योर पानी है, फिल्टर किया हुआ है, जो फिल्टर हो रहा है। और फल्गु नदी में पानी नहीं रहने के कारण गंगा के पानी पाइपलाइन द्वारा लाई गई है, क्योंकि यहाँ पानी अवेलेबल नहीं होता है।